नमस्ते। एक बार सद्गुरु जी ने कहा था कि हम फ्रिल्स में इतने गुम हो जाते हैं कि स्कर्ट किधर चली गई पता ही नहीं चलता। अब देखिए, 2 महीने पहले ही आप रास्ते पर खाने खा रहे थे, कोई भेलपुरी खा रहा था, कोई पानी पूरी खा रहा था, कोई गन्ने का रस पी रहा था। आपने कभी पूछा, भैया हाथ धोए क्या? और वो हाथ कहाँ कहाँ ले गए होंगे। मैं तो कुछ नहीं कह रही। फिर आप अपने कुत्ते को वॉक पर लेकर जाते हैं, वो रास्ते पर चलता है, उस रास्ते पर क्या क्या नहीं होता। अब वही पांव से वो वापस आता है, उसी पांव से वो आपके सोफे के ऊपर, बेड के ऊपर, और फिर अपना मुंह यहां आपको किस कर रहा है। आपने कभी अपने टॉमी को रोका, ए टॉमी यहां पर मुंह लगाने से पहले तूने कहां कहां पर मुंह लगाया बता। अच्छा बच्चों, अगर तुम्हारे पास एक अच्छा माइक्रोस्कोप हो या फिर एक तगड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास हो तो ये एक्सपेरिमेंट जरूर करना। अपने बिस्तर के ऊपर, अपने पिलो के ऊपर जरा चेक करना, ऐसे ऐसे कीटाणु दिखाई देंगे लाखों की तादाद में कि आप फिर अपना सर वहां रखना नहीं चाहेंगे। वही नहीं, आप अपना किचन का सिंक चेक कर लीजिए या फिर बाथरूम का टैप, उसको चेक कर लो। वही नहीं, अपना मोबाइल फोन, उस पर भी चेक करना कि क्या क्या घूम रहा है। ऐसी ऐसी चीजें घूम रही हैं जिनका आज तक नाम भी नहीं। तो ये सब कैसे संभल रहा था? हमारी बॉडी इंटेलिजेंस से, हमारे इम्यून सिस्टम से। वो हर वक्त वहां खड़ा था, मैं संभाल लेता हूं, डोंट वरी, कैरी ऑन, और सब हो रहा था। अच्छा, डू यू नो दैट हॉस्पिटल्स आर द मोस्ट इन्फेक्टेड प्लेसेस इन द सिटी? ये बात भी मैंने किसी डॉक्टर के मुंह से ही सुनी, वरना मेरा तो ध्यान ही नहीं गया था वहां पर। सोचने की बात है, वहां पर कैसे कैसे लोग आते हैं, कैसी कैसी बीमारियां लेकर, कहां कहां से। और वही कॉरिडोर्स हैं, वही वेटिंग रूम्स हैं, और आईसीयू में तो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होती है। इसीलिए तो जब आप थोड़ा सा भी रिकवर करते हैं वहां पर, तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि प्लीज इनको जरा सेपरेट रूम में शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि वो जानते हैं कि सबसे ज्यादा इन्फेक्शन वहां पर घूम रही है। हाँ, वो डिसइन्फेक्ट करते हैं, हाँ वो क्लीनलीनेस रखते हैं, मगर कीटाणु तो सब जगह है। वो तो एयर कंडीशनिंग के वेंट के अंदर भी हैं, इसलिए तो वो हवा में भी घूम रहे हैं, क्योंकि सारी खिड़कियां बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, वहीं पर पनप रहे हैं, वहीं पर घूम रहे हैं। ऐसे में आपने कितनी बार सुना कि आपके डॉक्टर की तबीयत खराब हो गई हो, या आज नर्सेस काम पे नहीं आएंगी क्योंकि वो बीमार है। क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम उनका साथ दे रहा है, उनका उनके अंदर एक विश्वास है, एक सेवा भाव है, और बॉडी इंटेलिजेंस उनका साथ दे रही है। अच्छा, हमने यही सीखा है ना कि बॉडी सांस लेती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर वातावरण से। अब इसको सीखने के लिए हम स्कूल गए थे, बॉडी को तो पहले से ही पता था क्या करना है। तो अब हमने उस पर कवर चढ़ा दिया, और वो भी कोई लिनन कॉटन खादी का नहीं, मगर सिंथेटिक, जो कि नॉन ब्रीदेबल है। तो ये हमने कवर चढ़ाया नॉन ब्रीदेबल मटेरियल का, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, और फिर क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकती, वही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और वही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर। और ये अगर चलता रहा घंटों तक, हम ऐसे ही कवर करके काम करते रहे, तो फिर हमारी सेहत पर इसका क्या असर होगा? इसमें क्या अकलमंदी है जी? आवर स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, अप्रोक्सीमेटली 22 square feet, और इस ऑर्गन से हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है, अपने टॉक्सिन्स बाहर फेंकती है, और ये भी ये अपनी इंटेलिजेंस से करती है। तो जब अंदर गर्मी बढ़ती है, गर्मी बाहर फेंकती है परस्पिरेशन के साथ, टॉक्सिन्स बाहर फेंकती है, वातावरण से हवा उससे टकराती है, वो एवेपोरेट हो जाता है, और ये बहुत खूबसूरत बैलेंस एक बना है प्रकृति के साथ। अब हमने आजकल इस पर एक पूरा सूट पहना दिया, वो भी सिंथेटिक मटेरियल का, अगेन नॉन ब्रीदेबल, और वो पहनकर अगर हम घंटों काम करते रहे, और ये बॉडी टॉक्सिन्स बाहर फेंक रही है, अंदर उसको गर्मी लग रही है, मगर वो पसीना वहीं का वहीं रह गया, ये सब होता रहा घंटों तक,
तो हमारी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? और अगर हमारी सेहत यानी हमारे मेडिकल स्टाफ की सेहत बिगड़ गई तो वो किसी और की मदद कैसे करेंगे? तो ये सूट्स प्रोटेक्शन के लिए पहने जा रहे हैं, और प्रोटेक्शन इसलिए क्योंकि ये डर है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसलिए डर है और इसलिए ये प्रोटेक्शन के सूट पहने जा रहे हैं। अगर इसका कोई इलाज होता तो आपको कोई डर नहीं होता और प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, है ना? तो सवाल ये उठता है कि अगर आपके पास इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है तो हम अपना इलाज करने के लिए आपके पास क्यों आ रहे हैं? सही बोला था ना सदगुरु जी ने कि हम फ्रिल्स में इतना गुम हो जाते हैं कि स्कर्ट किधर चली गई पता ही नहीं चलता। हमारे पास आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, योगा है, प्राणायाम है। आयुर्वेद 5000 साल से सत्य की तरह कायम है। कभी सुना कि उन्होंने कहा वो जो 5000 पहले बोला था, सॉरी वो तो चेंज हो गया, वो तुलसी के बारे में जो थ्योरी थी वो तो गड़बड़ है, सॉरी। कभी सुना है ऐसे? नेचुरोपैथी वो तो हमारी थाली में ही थी, हमारे दिनचर्या में ही था, हमारी नानी दादी यही तो प्रैक्टिस कर रही थी, कितना ज्ञान था उनमें। अरे आज पूरी दुनिया में टर्मरिक लाटे एंड क्लैरिफाइड बटर मशहूर हो रहा है और हमारे बच्चे बोल रहे हैं कि हल्दी दूध घी ई होम्योपैथी। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको सही समझकर दवाई दी है तो उसका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, अच्छा योगा, योगा मींस यूनियन विद द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के साथ योगा आपको जोड़ता है। अब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? आपके माइंड में चल रहा होगा टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बात सही किया अंग्रेजों ने, नाम में ही सब कुछ एक्सपोज कर दिया। उन्होंने बोल दिया ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल है। अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो रियल इंटेलिजेंस तो कहीं और ही है ना, हाँ? और प्राणायाम, लाइफ एंड डेथ इन वन ब्रेथ, सदगुरु जी की किताब है। अरे लाइफ और डेथ में बस इतना सा ही तो फर्क होता है, एक सांस का। और इस विद्या के मास्टर्स, इनके गुरु यहां पर हमारे पास भारत में है।